नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो माना जाता है इस सेमेस्टर का जनरली स्टूडेंट्स को लगता है, बट इतना नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको आगे प्रिपेयर करता है किसके लिए, ये प्रिपेयर करेगा आपको यूनिट आपके सेमेस्टर फोर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको रिसर्च वर्क करना है। तो थ्योरेटिकली आप रिसर्च वर्क पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में थर्ड में और करेंगे प्रैक्टिकली फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो सीरियसली लें इस सब्जेक्ट को एंड ज्यादा कुछ स्टैटिस्टिक्स इतना भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा डिफिकल्ट कुछ इसमें नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही 80 नंबर का रहता है, 3 घंटे का पेपर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है पर्पस ऑफ एथनोग्राफी, बी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल, ठीक है, और सी पार्ट मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, डी पार्ट यूजेस ऑफ साइन टेस्ट। ओके, 4 into 4, 16 marks। कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स मेन एम्स, टाइप्स एंड स्टेप्स। वर्णनात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य लक्ष्यों, प्रकारों एवं पदों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन द मीनिंग, मेन टाइप्स, वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक अनुसंधान का अर्थ, मुख्य प्रकारों, चरों एव प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। कोई एक क्वेश्चन आपको करना है यहाँ से, यूनिट वन से क्वेश्चन टू या थ्री, ठीक है। देन यूनिट टू से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डिस्कस एनी टू टेक्निक्स इन डिटेल, टू टेक्निक्स एंड टूल्स इन डिटेल, ठीक है। प्रदत्तों के संकलन के विभिन्न उपकरण एव प्रविधियां कौन कौन सी है, किन्हीं दो की विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग एंड प्रोसीजर विच इज फॉलोड इन राइटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ एव इसके विभिन्न खंडों को लिखने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की विस्तार से, विस्तृत रूप से व्याख्या आपको करनी है। कमिंग टू यूनिट नंबर थ्री, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आएगा। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, नल हाइपोथेसिस, टू टाइप्स ऑफ एरर्स एंड वन टेल्ड एंड टू फेल्ड टेस्ट। सार्थकता के स्तर, शून्य परिकल्पना, त्रुटियों के दो प्रकार एव एक पूछ वाला और दो पूछ वाला परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स। अ टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड इन अ स्कूल टू 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। डाटा आर गिवन बिलो, बॉयज का, गर्ल्स का, यू कैन सी इट इन द टेबल। इज द डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, और हिंदी में यहां से पढ़ सकते हैं, 12 बालकों तथा 10 बालिकाओं के मध्य एक परीक्षण किया गया, आंकड़े कुछ इस प्रकार से। क्या बालक एवं बालिकाओं के मध्यमान का अंतर 0.05 स्तर पर सार्थक है, ये आपको बताना है, प्रॉपरली करके दिखाना पड़ेगा। देखिए अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा इन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर किस तरीके से लिखना होता है, क्योंकि है इजी बट हाउ यू नीड टू शो इट राइट, वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, यूनिट फोर से, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर्स एंड यूजेस ऑफ मैन वाइट, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, मैन या मान, ठीक है, विटने यू टेस्ट फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, इन 120 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेसेस वॉज ऑब्टेन्ड, राइट, टेबल इज ड्रॉन हियर। डू दीज रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूट अ
refutation of the equal probability null hypothesis that you have to tell. Again 16 marks question, right? So advanced educational research paper 3, okay?